Hi guys, welcome back to my channel. How are you doing all? I hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे. तो आज की वीडियो में आप लोग के लिए लेके आई हूँ बर्थडे सैंडल्स हॉल फ्रॉम मीशो. नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है 4th of September में, तो मैंने सोचा है कि मैं एक बर्थडे सीरीज अपने चैनल में लेके आती हूँ, जिसमें सबसे पहली वीडियो आप देख रहे हो अभी बर्थडे सैंडल हॉल. नेक्स्ट आने वाला है बर्थडे ड्रेस हॉल और नेक्स्ट आएगा बर्थडे बैग्स हॉल. तो मेक श्योर करें आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो. सो मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट परचेज ऑफ टूडेज हॉल, जो कि मैंने ये व्हाइट कलर के सैंडल्स मंगाए हैं कुछ इस तरीके के, और सारे ही सैंडल्स इन द साइज 36 या फिर 35 है. मैं मेंशन कर दूंगी और प्राइस भी मेंशन कर दूंगी. सो ये कुछ इस टाइप का व्हाइट कलर का सैंडल मैंने मंगाया था, और इस टाइप का मेरे पास कुछ है भी नहीं. और इसका हील मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा, इस टाइप से आग ग्लास टाइप ऑफ इसका शेप है, इस तरीके का ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं. क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच चाहिए, मतलब मैं क्वाइट सरप्राइज हूँ कि मीशो से इतनी अच्छी क्वालिटी की सैंडल्स मेरे को रिसीव हुई है. पूरा यहाँ से इन्होंने कुशन प्रोवाइड किया गया है, इस तरीके से पूरा कुशन ही है. सोल भी बहुत अच्छा है, पहनने में भी काफी कंफर्टेबल हो रहा है. कोई ये पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का आया है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. सो गाइज, ये वाले सैंडल वेयर करने के बाद काफी कंफर्टेबल थे, हील हाइट ज्यादा नहीं है इसकी, 3 इंच है, तो काफी कंफर्टेबल हो रहा था मेरे को और काफी अच्छा स्टाइल है. स्पेशली जो इसकी ये जो ट्रांसपेरेंट वाले हील्स है वो मेरे को काफी पसंद आए. तो अगर आप बर्थडे में कुछ व्हाइट कलर का ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. सो गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हील, और ये कुछ इस टाइप के राइनस्टोन वाले हील्स मंगाए मैंने, और ये आज के हॉल का मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट हील है. बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है और बर्थडे के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है. आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये रोज गोल्ड कलर का इस तरीके से राइनस्टोन वाला आपको डिटेलिंग मिल जाएगा इसमें, आगे भी फ्रंट में. काफी स्लीक लुक है, काफी अच्छा लुक है, वेयर करने के बाद भी काफी कंफर्टेबल है. पूरा इस तरीके से कुशनी सोल प्रोवाइडेड है, इसकी हील हाइट कम ही है इतनी है, और पेंसिल हील है इसमें, बट चलने में काफी कंफर्टेबल हो रहा है मेरे को, तो काफी अच्छा लगा ये. और इस टाइप का है ये, बिल्कुल बर्थडे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है. तो अगर आप एक परफेक्ट बर्थडे हील्स देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. सो गाइज, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, ये वाला सैंडल बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है, आपके पैरों को एकदम से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है, काफी सुंदर लग रहा है, काफी अच्छा लगा मेरे को. वॉक करने में कंफर्टेबल ही हो रहा था, मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो रहा था, बट मेरे को मतलब ठीक ठाक लग रहा था. तो अगर आपको बाय करना है तो डेफिनेटली आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हील्स, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर का मंगाया, और ग्रीन कलर का मेरे पास आज तक कुछ भी नहीं था, मतलब इस टाइप का फुटवेयर में कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस बार मंगाते हैं. और ये बिल्कुल H&M और जारा वाला वाइब दे रहा है, और क्वालिटी भी इसकी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, प्लस काफी अफोर्डेबल है. H&M और जारा में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ये, तो अगर आपको कुछ इस टाइप का चाहिए तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. और कुछ इस टाइप का है, क्वालिटी आप देख ही सकते हैं कितना कुशनी है यहाँ से, पूरा ये सोल इसका कुशनी है, और हील इसकी कुछ इस तरीके से पेंसिल हील्स मिल जाएगी आपको, और काफी स्मार्ट लुक आ रहा है इसको वेयर करने के बाद, काफी अच्छा लगा मेरे को, तो डेफिनेटली आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो. ये वाली सैंडल भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है, स्पेशली ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. तो अगर आप कुछ इस तरीके का ढूंढ रहे हो ग्रीन कलर का, या फिर आप H&M और जारा वगैरह में देखते हो ऐसे सैंडल्स और एक्सपेंसिव होता है तो आप बाय नहीं कर पाते हो, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, परफेक्ट ड्यूप रहने वाला है ये. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से ये बेज कलर का मंगाया है, और ये वैसे ही सेम है जैसा व्हाइट कलर का था, इस टाइप का है ये, और इसमें भी इस तरीके से आग ग्लास वाली सैंड वो मिल जाएगी आपको, हील्स मिल जाएगी ट्रांसपेरेंट, काफी अच्छा लग रहा है वेयर करने के बाद भी, और काफी न्यूट्रल कलर है. अगर आपको कुछ इस टाइप का कलर में चाहिए तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. सोल इसका भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सरप्राइजिंगली मीशो की क्वालिटी मेरे को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगी है हील्स की इस बार, तो अगर आपको कुछ इस टाइप का चाहिए तो डेफिनेटली आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो. सो अगर आप उन लोगों में से हो जिनको ज्यादा चटक वटक फुटवेयर में नहीं पसंद, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. ये ऑफिस वेयर में भी काम आने वाला है, एज वेल एज कैजुअली भी आप इसको वेयर कर सकते हो, काफी अच्छा और शीक पीस है, तो डेफिनेटली आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो. सो गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सैंडल्स, जो कि कुछ इस तरीके के है, और इस सैंडल्स का नाम मैंने रख दिया है बार्बी सैंडल, क्योंकि फुल बार्बी वाली वाइब आ रही है इसमें से,
और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये यूनिकॉर्न वाले कलर्स मिल जाएंगे इसमें, और काफी यूनिक है, इस टाइप का क्रिस क्रॉस बना हुआ है और बर्थडे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। सोल भी इसका काफी कुछ नहीं है, पूरा यहाँ पर कुशन प्रोवाइड किया गया है, तो बिल्कुल भी आपके पैरों को हर्ट नहीं होने वाला है। और हील हाइट भी इसकी ऐसी है, मीडियम हील है, और पूरा एक क्रिस्टल का हील्स दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है ये बर्थडे में वेयर करने के लिए। तो मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और अगर आपको ये वाला परचेस करना है तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी का आया है। सो गाइज, अगर आप बर्थडे के लिए एक परफेक्ट पिंक कलर की सैंडल्स देख रहे हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, हील हाइट भी काफी अच्छी है इसकी, और बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा था, आराम से प्रॉपरली मैं इसमें वॉक कर पा रही थी, प्लस इसका स्टाइल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो परफेक्ट रहेगा ये, डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट परचेज ऑफ टुडेज हॉल, जो कि मैंने कुछ इस तरीके के हील्स मंगाए हैं, और आप देख ही सकते हैं कितने प्रिटी हैं ये, बहुत ही ज्यादा सुंदर आए हैं और क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। कुछ इस टाइप का राइनस्टोन की डिटेलिंग से बो बना हुआ मिल जाएगा आपको, और फुल H&M और जारा वाला वाइब दे रहा है, क्वालिटी में भी कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, और इसका प्राइस 700 समथिंग है, जो कि बहुत ही अमेजिंग डील लगी मेरे को, क्योंकि आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, पूरा शाइन है इसमें इस तरीके का, और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, और बर्थडे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, मेरी तरफ से तो 10/10 है ये, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, आप देख ही सकते हैं कितने प्रिटी लग रहे हैं ये, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइस, वेयर करने के बाद भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग सैंडल्स है, जैसा दिखाया था एज इट इज वैसे ही रिसीव हुआ है, बस इसमें एक ड्रॉबैक है, जो इसका स्ट्रैप है वो हल्का सा लूज हो रहा है, तो बार बार नीचे फॉल ऑफ हो जाता है वो, अगर आप चाहो तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो, क्योंकि एज इट इज भी कंफर्टेबल हो रहा था मेरे को, तो वही मैं बताना चाह रही थी आपको। बाकी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सैंडल है, अगर आप अपने बर्थडे के लिए कुछ इस टाइप का ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और गाइज नेक्स्ट वीडियो बर्थडे ड्रेस हॉल आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय।